शिमला कहे जाने वाले मैनपेट में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय कार्निवल महोत्सव का आगाज हो गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में देश विदेश से पहुंचने वाले कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। कार्यक्रम के पहले दिन देश के विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कविताओं की मनमोहक प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी छटा बिखेरी। साथ ही प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित जिले के अधिकारी कार्यक्रम देखने मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि हर साल की भांति इस वर्ष भी मैनपाट कार्निवल का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में हमारे कई मेहमान बाहर से आए हैं। कुमार विश्वाल जी आए हैं, हमारे साथी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा जी आए हैं और खाद्य आयोग के अध्यक्ष भाई गुरप्रीत जी आए हैं। कितने दिनों तक चलेगा और क्या खास रहेगा? सभी आए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये तीन दिवसीय आयोजन है और इसमें 3 दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ का काव्य पाठ का भी आयोजन है, कुश्ती का भी आयोजन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ एक तरह से मैनपाट का आयोजन पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्व तो रखता है, साथ ही यहाँ के विकास की मॉडल का अवधारणा भी है कि जब शुरुआती दौर में जब शुरू किए थे उस समय बहुत छोटा स्वरूप में था और जब से इसका हर साल आयोजन हो रहा है कुछ ना कुछ नया और विकास के आयाम जुड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।